दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बॉडी हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है बाइट। ये मूवी 2015 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम कैसी को देखते हैं जिसकी शादी होने वाली थी और वो अपनी फ्रेंड्स क्रिस्टिन और जिल के साथ बैचलर पार्टी मनाने के लिए कोस्टा रिका जाती है। वो लोग वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही होती हैं। एक रात बार में वो सब बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं। वहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है जिसके साथ कैसी फिजिकल रिलेशन में आ जाती है, लेकिन नशे में होने की वजह से उसे सुबह कुछ भी याद नहीं होता और वो लड़का उन्हें एक स्पॉट बुद्धा के बारे में बताता है। वो तीनों वहाँ जाती हैं और कैसी को पानी में कोई कीड़ा काट जाता है, लेकिन वो उसे सीरियसली नहीं लेती। उसके बाद वो लोग वापस आ जाती हैं और कैसी से उसका फियांसी जैरेड मिलता है। वो उसका इंतजार कर रहा था। जैरेड उसे अपने बचपन वाली बेबी चेयर दिखाता है, जिससे कैसी समझ जाती है कि जैरेड को उससे बच्चा चाहिए। वो परेशान हो जाती है और देखती है कि उसकी इंगेजमेंट रिंग भी खो चुकी है। वो ये सोच रही थी कि उसने ट्रिप पर जैरेड को चीट किया है। उसके बाद शॉवर लेते हुए वो देखती है कि उसके जिस्म पर अजीब से निशान बन रहे हैं। वो अपनी लैंड लेडी यानी जैरेड की माँ से मिलने जाती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो कैसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इन सारी बातों की वजह से कैसी अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान थी। वो अपनी दोस्त को कॉल करके कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, तो वो उसे जैरेड के साथ ये सब डिस्कस करने के लिए कहती है। एक रात जैरेड डिनर के लिए आने वाला होता है और कैसी उसका वेट कर रही होती है, तभी वो जैरेड और उसकी माँ की बातें सुन लेती है जो उससे कह रही होती हैं कि कैसी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हें चीट करेगी। मगर वो उनकी बात नहीं सुनता और कैसी के पास आ जाता है। कैसी की सेंसेस म्यूटेट हो गई थी, उसे दूर की आवाजें भी क्लियर सुनाई देने लगी थी। खाना खाते हुए जैरेड कैसी से रिंग के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसे साफ करने के लिए बाथरूम में रखा है। कैसी जैरेड से सब डिस्कस करने लगती है, तभी उसे वॉमिट आ जाती है और उसके मुंह से स्टिकी सा कुछ निकलता है। मगर जैरेड के पूछने पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। जैरेड उसे बेडरूम में ले जाता है तो कैसी उसे रात रुकने के लिए कहती है, मगर जैरेड अपनी मॉम की वजह से मना करता है। कैसी कहती है कि वो मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन जैरेड कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जैरेड का हाथ कैसी के जख्म पर लगता है तो उसके हाथ पर म्यूकस लग जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और जैरेड के पूछने पर बताती है कि यहाँ मुझे एक बग ने बाइट किया है, जिसकी इन्फेक्शन के लिए मेरे पास क्रीम है, और जैरेड को वहां से जाने के लिए कहती है और खुद बात लेने लगती है। अगली सुबह टब में ही उसकी आंख खुलती है तो स्टिकी म्यूकस उसके फेस पर फैला होता है। तभी जिल उससे मिलने आती है और पूछती है कि तुमने जैरेड को सब कुछ क्यों नहीं बताया, और उससे सिंपथी शो करती है। फिर उसे कैसी के जख्म का पता चलता है तो वो उसे एक क्रीम देकर चली जाती है। कैसी अब कुछ भी खा नहीं पा रही थी। कुछ भी खाते ही उसे वॉमिट आ जाती थी और म्यूकस निकलता था। उसका फेस बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसके नेबर मिसेस मैथसन ये सब नोट करते हैं तो वो कहती है कि मुझे बस एक बग ने काटा था। फिर कैसी क्रिस्टन से मिलकर उसे अपनी तबीयत के बारे में बताती है तो वो उसे कहती है कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो। घर आकर वो अपना जख्म देखती है जो पहले से ज्यादा खराब हो गया था, और फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव होता है। वो डॉक्टर से बात करके अपने जख्म के बारे में बताती है तो वो उसे एंटीसेप्टिक यूज करने के लिए कहता है। उसके बाद वो बेड पर लेटती है और सो जाती है, जहां उसको ख्वाब आता है कि सब लोग सरप्राइज देने के लिए उसके घर आते हैं और बेबीज कह रहे होते हैं और उसके अंदर से बहुत सारे एग्स निकलते हैं, जिन्हें सब लोग कुचलने लगते हैं और कैसी उन्हें रोक रही होती है। आंख खुलने पर कैसी बाथटब में होती है और पूरी तरह म्यूकस से भरी होती है। बाहर आने पर उसे घर में हर तरफ म्यूकस नजर आता है और उसके बेड पर हर तरफ कीड़े के अंडे होते हैं। कैसी देखती है कि उसके फेस पर भी निशान बन चुके हैं। तभी दरवाजे पर जैरेड की मॉम आती हैं। कैसी रूम से बाहर आती है तो लॉन्च में भी हर जगह एग्स पड़े होते हैं। कैसी की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। जैरेड की मॉम खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि कैसी प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो और पूछती हैं कि ये बच्चा किसका है। मैं जैरेड को बताकर शादी कैंसिल करा दूंगी। कैसी उन्हें जाने के लिए कहती है मगर वो नहीं जाती तो कैसी उनका गला दबाने लगती है और फिर अपने मुंह से एसिड थूक कर उन्हें मार डालती है। फिर उनकी बॉडी को बाथटब में छुपा देती है। अगले सीन में हम जैरेड को देखते हैं जो कैसी को कॉल करता है, मगर उसका नंबर बंद होता है तो वो मैसेज छोड़कर उसके घर चला जाता है। कैसी दरवाजा नहीं खोलती और कहती है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ।
मुझे कुछ टाइम चाहिए। हम देखते हैं कि कैसी की हालत बहुत खराब है, उसके बाल भी उतर रहे होते हैं और उसके अपार्टमेंट का भी बहुत बुरा हाल होता है। वो जेरेड को वहां से जाने का कहती है तो वो गुस्से में वहां से चला जाता है। क्रिस्टन जिल के घर जाकर कैसी के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई है, क्योंकि मैं उस दिन उसके घर गई थी, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला और ना ही मेरी कॉल का जवाब देती है और घर के अंदर से बहुत ही स्मेल भी आ रही थी। कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें पता करना चाहिए। मगर जिल को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे क्रिस्टन उस पर गुस्सा करती है और वहां से आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसी की रिंग जिल के पास है। दूसरी तरफ कैसी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो अपने ही नेल्स तोड़कर खा रही होती है और कीड़ा भी खाती है। तभी क्रिस्टन उसके घर आती है और घर की हालत देखकर शॉक्ड होती है। वो कैसी से पूछती है कि ये सब क्या है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर फिर कैसी का फेस देखकर डर जाती है और बाथरूम में भाग जाती है। वो अंदर एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है और सामने उसे डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसका फोन टब में गिर जाता है। फिर कैसी अंदर आकर उसके मुंह पर हाथ रख के उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन उसके हाथ से म्यूकस निकलकर क्रिस्टन के मुंह पर लग जाता है, जो कि जहरीला था। कैसी के हाथ पर भी कीड़े का टेक्सचर बन गया था। क्रिस्टन उस जहर की वजह से मर जाती है, जिस पर कैसी बहुत दुखी होती है। उसके बाद हम जेरेड को बाथरूम में देखते हैं और उसके यूरिन में ब्लड आ रहा था, और तभी जिल उसको मैसेज करके नीचे पार्किंग में मिलने के लिए कहती है और जेरेड को कैसी की उस लड़के के साथ वाली वीडियो दिखाती है, जिससे जेरेड का दिल टूट जाता है और जिल उससे कहती है कि कैसी तुम्हारे काबिल नहीं थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे सेड्यूस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कैसी की सेंसेस की वजह से उसे ये सब सुनाई दे रहा होता है। वो जोर से चिल्लाती है। उधर जेरेड और जिल को वॉमिट आती है और जिल वहां से चली जाती है। कैसी अब मॉन्स्टर बन गई थी। जिल को अब गिल्ट फील हो रहा था और वो कैसी के घर जाती है और घर की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। कैसी उसे बेहोश करके चेयर पे बांध देती है। होश में आने पर कैसी उसे वो वीडियो दिखाती है जिसे ट्रिप पर जिल ने शूट किया था, जब कैसी नशे में थी और वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मगर कैसी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। कैसी जिल से कहती है कि तुमने उस लड़के को मुझे ले जाने दिया क्योंकि तुम जेरेड को चाहती थी, और फिर उससे कहती है कि जेरेड को कॉल करके बुलाओ, और उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। तो जिल जोर से जेरेड को पुकारती है। आवाज सुनकर जेरेड उसके घर आता है और अंदर जिल को बांधा हुआ देखकर खोलने की कोशिश करता है और उससे कैसी का पूछता है। तभी कैसी सामने आती है और जेरेड उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। कैसी जेरेड से बात कर रही होती है तो जिल हेल्प के लिए चिल्लाती है, जिस पर कैसी उसे थप्पड़ मारती है। जिल के मुंह से खून आने लगता है और वो मर जाती है। फिर कैसी जेरेड पर अटैक करती है, मगर जेरेड उसे पकड़ लेता है और उसके पूछने पर कैसी कहती है कि ये बग बाइट से हुआ है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। जेरेड मान जाता है, मगर कैसी उसे डंक मार देती है और दोबारा उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी जेरेड उसकी चेस्ट में स्टिक मार देता है और फिर अपने शूज से उसका फेस कुचलकर उसे मार डालता है। लेकिन जेरेड भी अब डंक की वजह से इन्फेक्टेड हो चुका था। घर आकर वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। एक हफ्ते बाद पुलिस वहां आती है। उन्हें कैसी के घर से सबकी बॉडीज मिलती हैं और फिर वो जेरेड के घर जाते हैं और जेरेड की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उसका पेट फट जाता है और उसमें से बहुत से अंडे निकलते हैं जो टूट जाते हैं और उन सब में से कीड़े निकलकर पुलिस वालों को काट लेते हैं। आखिरी सीन में हम दो लड़कियों को जॉगिंग करते हुए देखते हैं जो ट्रिप पर कोस्टा रिका जाने की बात कर रही होती हैं, और तभी एक लड़की को कीड़ा काट लेता है और वो उसे इट्स जस्ट अ स्मॉल बाइट कहती है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।